के दुश्मन है ये, दुखियों का जीवन है ये। हर मुश्किल से टकराए, नारी को हक दिलवाए, श्रद्धा की सूरत है ये, ममता की मूरत है ये। गिरते को बढ़ के उठाते, दुष्टों की हस्ती मिटाती, लाचार की आवाज है, दीन दुखियों की लाड प्यार तो आपका गौरी के लिए है। जितना वक्त आप गौरी के साथ बिताते हैं ना, उतना वक्त मेरी रूपाली को भी दिया कीजिए। जब से गौरी ने इस कारोबार की बागडोर अपने हाथ में संभाली है, तब से छोटी मालकिन एकदम बेचैन हो गई। अब इस महीने में तुम दोनों को मिलाकर 40,000 रुपए के ऊपर पैसा दिया जा चुका है। जानवरों के तबेले में, ओह माय गॉड, डैड खड़ा नहीं रह जाता। और आप कह रहे हैं देखो। बस डैड, अब बहुत हो गया, गुड नाइट, चल बाय। बातें समझ में आ गई? हाँ, बहुत अच्छी तरह से। आप मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, गौरी को ऊंचा दिखाने की कोशिश में आप हमारी गर्दन मरोड़ना चाहते हैं। पता नहीं घूम फिर कर तुम फिर से उसी बात पर क्यों आती हो। क्योंकि आपने ऐसे हालात खड़े कर दिए हैं कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। आज तक हर वक्त हर जगह आपने यही जताने की कोशिश की कि कुसुम के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। कुसुम की परछाई बनने की भी काबिलियत मुझ में नहीं है। और आज आप मेरे बच्चों को गौरी के आगे कुछ जताना चाहते हो? मेरे बच्चों को गौरी के हाथ की कठपुतली बनाना चाहते हैं? आज तक ना मेरा कोई वजूद था, ना कोई हैसियत, और आज आप मेरे बच्चों को भी यही जताना चाहते हैं कि उनकी भी कोई हैसियत नहीं है। पता नहीं धारणी बात को समझती क्यों नहीं, ये कैसा अहंकार है जो दिमक की तरह धारणी की सोच को खोखला करते जा रहा है। अगर धारणी की सोच यही रही तो रूपा, श्लोक और गौरी कभी एक साथ नहीं रह पाएंगे। ठीक नहीं है, धारणी को यह बात समझ लेनी चाहिए कि श्लोक और रूपाली गलत रास्ते पर जा रहे हैं। कब समझेगी पता नहीं। जी, ये एग्रीमेंट के पेपर्स हैं, अपने पास रखो और समय पर पहुंच जाना। तो बिल्कुल बाबूजी, मैं गौरी को साथ ही लेकर आऊंगा। ठीक। आज आप खाना खाने घर आएंगे या फिर टिफिन भेजू कारखाने में? जानवी, मीटिंग कितनी देर चलेगी पता नहीं, और फिर आज शायद साहेब राव के फार्म हाउस भी मुझे जाना पड़ेगा। महेश को तो पूछना ही बेकार है, ना महेश को खाने पीने का कुछ ठिकाना होता है और ना ही गौरी को। सारा दिन काम ही काम। वैसे आज आप बंगले पर जा रहे हैं क्या? हाँ, मुझे साहब राव को मीटिंग में लेके जाना है। अरे दीवा,
तो छोटी मालकिन से ज्यादा बहस मत करना। हाँ हाँ, वो हमारी मालकिन है, मैं भला उनसे क्यों बहस करूँगा। जब धारिणी जी को आपका हवेली पर आना जाना पसंद नहीं है तो? देखो जानवी, मैं साहेब राव के लिए जाता हूँ। अब साहेब राव हमारे मालिक ही नहीं, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, और फिर काम के सिलसिले में तो उनसे मिलना पड़ता ही है ना। माँ आप प्लीज परेशान मत होइए। क्यों ना होंगी, छोटी मालकिन जो हर वक्त अपमान करती रहती है। फिर जानवी, हमें इससे क्या लेना देना, हमें काम से मतलब होना चाहिए। महेश तुम गौरी को याद दिला दो कि डॉक्टर मोहन को फोन कर दे। जी, साहेब राव जी का चेकअप भी होना है आज। हाँ महेश, आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अरे छोटी मालकिन तो मालिक को चैन की सांस लेने ही नहीं देती है, तो उनकी तबीयत का खाट ठीक रहेगी? जानवी मुझे तो समझ भी नहीं आता कि छोटी मालकिन आखिर चाहती क्या है। शारदा मौसी, गौरी और मुझसे तो उनकी दुश्मनी है ही है, जबकि आज तक हमने उन्हें कोई उल्टा जवाब नहीं दिया। जानवी क्या हो गया है, सुबह सुबह कैसी बातें कर रही हो? जटाशंकर जी, मुझे आपका अपमान बर्दाश्त नहीं होता। शंभो हर हर, मैं आपकी पत्नी हूँ जानवी। अब तो महेश भी 24 घंटे में 20 घंटे गौरी के साथ ही रहता है। काम कितना फैल गया है, तो ये बात छोटी मालकिन भी तो समझे। महेश को खरी खोटे क्यों सुनाती है? जानवी बस बहुत काम बाकी है। हाँ बाबूजी, आप फौरन निकलिए, वहाँ साहिब राव भी इंतजार कर रहे होंगे आपका, और मैं पेपर्स लेके फौरन आता हूँ गौरी को साथ लेके। ठीक है, शंभो हर हर। जल्दी आइएगा। माँ आप शांत हो जाइए, छोटी मालकिन जी की बातों का कोई बुरा नहीं मानता। हमें साहिब राव के लिए काम करना है, गौरी के लिए काम करना है, और ये जो बड़ी मालकिन कुसुम जी ने महिला गृह उद्योग का कारोबार शुरू किया है, हमें सबको मिलके उसे संभालना है। महेश तुम्हारे पिता बहुत ही शरीफ और ईमानदार इंसान है, समझे? तो अप्पा की ईमानदारी पर कौन शक करेगा माँ। सच्चाई तो ये है कि उसका पति उसके अलावा किसी और का भी है। साहेब राव तो अप्पा को अपना करीबी दोस्त मानते हैं, और बड़ी मालकिन कुसुम जी वो तो उन्हें अपना भाई मानती थी ना। वो तो सब ठीक है, लेकिन माँ ये छोटी मालकिन भी गौरी का बार बार अपमान करती है, सारी जिम्मेदारी तो अप्पा के ऊपर है। साहेब राव भी चाहते हैं कि गौरी के साथ मैं रहूं, चाहे कितना भी मुझे अपमानित होना पड़े, ये तो पक्का है कि मैं गौरी के साथ हमेशा रहूंगा, हमेशा। कभी कभी सोचती हूँ कि मैं अगर इस फोटो में होती तो कितना अच्छा होता।
आप रोज सुबह मेरे पास आते हैं, मुझे प्यार से निहारते, अगरबत्ती जलाकर ममता भरी नजरों से मुझे देखते रहते। आपकी नजरों से झरते प्यार भरे दृष्टि को देखकर मैं भी संतुष्ट हो जाती। आपकी भावुक नजरों को देखकर मुझे ईर्ष्या होती है कुसुम दीदी की इस तस्वीर से, जिसे आपका इतना प्यार और सम्मान मिलता है। काश मैं आपकी पहली पत्नी होती। तुम ये कैसे सोचती हो धारिणी कि हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं, पहली हो या दूसरी, हमारी नजरों में पत्नी ये पत्नी ही होती है। और प्यार तो है ही, तुम तो हमारे सामने हो, हमारी नजरों के सामने हो, क्या हमें तुमसे प्यार नहीं है, शक है? शक है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मन में पहली बीवी की सूरत है? लेकिन वो जिंदा नहीं है, इसलिए आप मुझसे प्यार कर बैठे। धारिणी, तुम यही सवाल न जाने कितनी बार पूछ चुके हो, हम पर तुम्हें विश्वास नहीं है? अभी भी विश्वास नहीं होता तो आपसे शादी नहीं करती। लेकिन दुनिया वालों की नजरों में दूसरी बीवी की वो इज्जत नहीं होती जो पहली बीवी की होती है। कभी कभी आपकी बातों से भी मुझे इस बात का एहसास होता है। धारिणी, वर्गों की बातें आप जाने, लेकिन औरत एक ही बार जिंदगी में प्यार करती है, अपनी गृहस्थी के सपने सजाती है, अपने परिवार का सपना देखती है, अपने घर को सजाती है, संवरती है। मगर सपनों में खोई इस औरत को जब पता चलता है कि उसका सपना केवल एक कल्पना थी, तो उसे बहुत दुख होता है। सच्चाई तो ये है कि उसका पति उसके अलावा किसी और का भी है। और दुख बांट सकती है, अपने पति का प्यार नहीं साहिब राव। धारिणी, तुम ये बहुत ही गलत सोच रही हो, बहुत ही गलत। तुम शायद भूल गए हो, शायद, लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं कि जब कुसुम की तबीयत बहुत खराब थी तब तुमने उसकी कितनी सेवा की है, हम कैसे भूलेंगे? और उस वक्त भी तुम जानती थी कि हम कुसुम से कितना प्यार करते हैं, आज भी कर रहे हैं। कुसुम के मृत्यु पश्चात हमने तुमसे शादी की, कुसुम की भी यही इच्छा थी। इतने साल बिताने के बाद हम कैसे सुन सकते हैं तुम्हारे ये सवालों को कि बगैर प्यार के हम आपके साथ रह रहे हैं, आप हमारे साथ रह रही है। लेकिन साहिब राव, आज भी हकीकत यही है कि मैं दूसरे नंबर पर और इस बात का दुख मुझे बहुत चुभता है। नमस्कार वाले। अरे आइए आइए जटाशंकर जी, आइए।
हमारे मित्र मुनिम जी। नर्मदा, नर्मदा जी मालिक। अरे भाई जटाशंकर जी आए हैं, उनके लिए अदरक डाल के कड़क सी अच्छी सी चाय बना कर लाना। चाय बना कर लाती जी? नहीं मालिक, मैं चाय नहीं पीऊंगा। क्यों? मुझे थोड़ी एसिडिटी की तकलीफ है, हमें फौरन निकलना चाहिए। हाँ निकलते हैं। क्या बात है, किसी खास काम के लिए आप लोग बाहर जा रहे हैं? मालिक ने आपको बताया नहीं? नहीं साहेब राव, ऐसी बातें मुझे बताते ही नहीं है। हाँ अभी थोड़ी देर के लिए वो कुसुम दीदी के फोटो के पास खड़े थे, हो सकता है उन्हें बताया। गुड मॉर्निंग माँ। मुझे माँ मत कहा करो, तुम्हारी माँ का नाम कुसुम है, धारिणी नहीं। क्यों ऐसी बातें कर रही हो? क्यों? मैं तो सोचती हूँ कि कुछ बोलू ही नहीं, क्योंकि वैसे भी मेरे बोलने या ना बोलने से कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं, और मैं जब भी बोलती हूँ तो राई का पहाड़ खड़ा कर देती हूँ। जी नहीं, आप गलत सोच रही हैं छोटी मालकिन। छोटी मालकिन आप मुझे ना कहे तो ही अच्छा होगा। मुझे पसंद नहीं है कि बार बार कोई मुझे एहसास दिलाए कि मैं दो नंबर की बीवी हूं। बड़ी कोई और है पर मैं छोटी। धारिणी, नॉर्मली अगर पति किसी शुभ या जरूरी काम से बाहर जाते हैं तो अपनी पत्नी को जरूर बताते हैं, लेकिन यहां रिवाज ही उल्टा है। शायद मुझे बताने से साहिबराव के काम में कुछ रुकावट आती हो। तुम बगैर सरफाव से कितनी बातें करती हो, कितने इल्जाम लगाती रहती हो। हाँ गलती तो सिर्फ मेरी है, मैं ही बात का बतंगड़ बना देती हूँ, राई का पहाड़ खड़ा कर देती हूँ, घर में क्लेश करती हूँ, यही तो मेरा स्वभाव है। जटाशंकर जी अगर नहीं बताते तो मुझे शायद पता भी नहीं चलता। हाँ अपनी लाडली बेटी गौरी को तो जरूर बताया होगा। अरे गौरी तू यहां? मैं घर पे तेरे लिए नाश्ता बना के आई हूँ, उपमा बनाया, दूध बनाया, तू पी के आई कि नहीं? अरे मौसी मुझे भूख नहीं थी तो मैं। अरे भूख कैसे नहीं है तुझे? देख गौरी तू ना इतने नखरे मत दिखाया कर, जब तू छोटी थी तो मेरी हर बात मानती थी, अब तू बड़ी हो गई है, सियानी हो गई है, काम काज संभालने लगी है तो बात ही मानेगी मेरी? मौसी मैं पी लूंगी दूध यार। देख गुड़िया तू अगर दूध नहीं पिएगी, नाश्ता नहीं करेगी, सेहत का ख्याल नहीं रखेगी हा? तो कैसे काम चलेगा, काम कैसे कर पाएगी? और अब तो तुझे तीन तीन लोगों की जिम्मेदारी निभानी है, तेरे बाबा साहेब राव, महेश और जटाशंकर जी,
सब काम करने वाले लोग हैं बेटा। हाँ मौसी, मैं सब संभाल लूंगी। चलो अभी मुझे देर हो रही है। वैसे बात क्या है गौरी, आजकल शिवजी की आराधना कुछ ज्यादा नहीं हो गई? अरे मौसी, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी मौसी, भगवान के ऊपर तो अपना ज्यादा हक बनता है ना। और आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मौसी, अगर ये मीटिंग सफल हो गई ना तो स्वादिष्ट गृह उद्योग मसाले का काम और तेजी से बढ़ जाएगा। ये मीटिंग तो सफल होनी ही चाहिए। अरे चिंता क्यों करती है मेरी लाडली, सब ठीक हो जाएगा। अब तू इतनी मेहनत जो करती है तो तेरी मीटिंग तो सफल होगी ना। मेरा कुछ नहीं है मौसी, ये तो माँ के पुण्य कर्म थे जो स्वादिष्ट गृह उद्योग की इतनी सशक्त पहचान है। उनकी मेहनत और लगन का नतीजा है ये। 25 साल पहले माँ ने जिस गृह उद्योग की स्थापना की थी उसे मुझे बहुत गरिमा से चलाना होगा। गौरी और साहेबराव के साथ जटाशंकर देशपांडे और उनका सुपुत्र यानी कि मैं, महेश जटाशंकर देशपांडे, इन्होंने भी इस उद्योग समूह को संभालने की पूरी कोशिश की है। हाँ मौसी, महेश को तो सीए करने के बाद मुंबई में कितनी बड़ी नौकरी मिल रही थी, इसने वो नौकरी छोड़कर अपना गृह उद्योग संभाला। इसका थोड़ा सा क्रेडिट मुझे भी मिलना चाहिए। हाँ चलो चलो, दे देती हूँ। चले, देर हो रही है। हाँ चलते हैं, लेकिन महेश मैं एक बार बाबा को फोन करके पूछ लेती हूँ। ओके। बोलो बेटा गौरी। गुड मॉर्निंग बाबा। बाबा आप अभी तक बंगले पर हैं? सुबह 10:30 बजे की मीटिंग है। हाँ पता है। जटाशंकर जी आए हैं, अभी निकलते हैं। ओके बाबा। बाबा आपने नाश्ता किया, सुबह की दवा ली? गौरी। हाँ गौरी गौरी क्या करते हैं बाबा, छोटी माँ नाश्ता लेकर आपके आगे पीछे घूमती रहती है और आप है कि। अच्छा मेरी माँ से बात कराइए। एक मिनट माँ से बात करो। क्यों बात करो, मुझसे बात करनी होती तो मुझे फोन करती। बात करो बात करो। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग माँ। मुझे माँ मत कहा करो। तुम्हारी माँ का नाम कुसुम है, धारिणी नहीं। और 4 लोगों के बीच ये ताने मारने की नुमाइश करने की जरूरत नहीं है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। फोन रखो। हेलो। फोन कट हो गया। मैंने काट दिया। साहिबराव भी धारणी की जाति इसलिए बर्दाश्त करते हैं कि रोज रोज धारणी के साथ कौन झगड़ा करते बैठे। लोग और रूपाली सामने होते हैं, साहिबराव चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर जाते हैं। 100 बुराइयां हैं मेरे बच्चों में, अच्छाई तो सिर्फ गौरी में है ना। यार ये सब इंसान है, तुम सबको फालतू जानवर समझती हो। वी आर ऑल फ्रेंड्स यार, जस्ट एंजॉय। जस्ट शट अप। Thank you.